नाउ एनदर एग्जाम्पल रिगार्डिंग फोर लूप स्टेटमेंट। इस केस में फोर लूप के साथ मिक्स किए सम प्रॉपर्टीज बेसिक्स बेस्ड ऑन स्टोरेज क्लासेस। ड्यूरिंग डेटा टाइप मैंने डिस्कस किया था किसी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का प्रॉपर सिंटेक्स क्या है, स्टोरेज क्लास डेटा टाइप वेरिएबल नेम वेरिएबल वैल्यू। अगर किसी भी लोकल वेरिएबल्स के लिए बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी स्टोरेज क्लास प्रोवाइड नहीं किया था, डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या रहता है, ऑलवेज ऑटो। देन एक्स के केस में बात करें तो एक्स का स्टोरेज क्लास क्या है, स्टैटिक। ब्लॉक के टॉप में किसी भी प्लेस पर आइदर इनसाइड मेन और एनी फंक्शन और लूपिंग स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे ब्लॉक के टॉप में वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल होता है, इसलिए इस केस में लूप के केस में इनिशियली कितने वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई। लेकिन एक्स और वाई दोनों के स्टोरेज क्लासेस कैसे हैं, सेम स्टोरेज क्लास और डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस। जब भी किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो इस केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, मेमोरी एलोकेशन। ऑल ऑटो वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड स्टैक मेमोरी वेयर एज ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड दिस वन इज स्टैक। स्टैटिक वेरिएबल्स किस प्लेस पर क्रिएट करें, इनसाइड डेटा एरिया और वी कैन से डेटा सेगमेंट। ऑलरेडी डिस्कस किया ड्यूरिंग डेटा टाइप्स। अगर आपको स्टोरेज क्लासेस में कन्फ्यूजन देन अगेन डिस्कस करें ड्यूरिंग फंक्शंस। बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपली, स्टैटिक वेरिएबल्स के केस में मेमोरी एलोकेशन कब परफॉर्म होगा, बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन। स्टैटिक वेरिएबल्स ब्लॉक के किस प्लेस में से आउटर ब्लॉक में क्रिएट हुए, इनर ब्लॉक में, डजंट मैटर। मीन्स जब भी किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो एग्जीक्यूशन के जस्ट बिगिनिंग में सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ, मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल। तो सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल एक्स के लिए एलोकेशन परफॉर्म हुआ इनसाइड डेटा सेगमेंट, देयरफॉर वी आर क्रिएटिंग मेमोरी स्पेस फॉर वेरिएबल एक्स विद इनिशियल वैल्यू 1, बिकॉज इनिशियलाइजेशन किससे कराया, 1 से। अगर एक्स में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता तो उसके इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुआ एक्स का, 0। नेक्स्ट वन, ये सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए स्पेस एलोकेट कर देंगे, परफॉर्म क्या कराएंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन। वन मोर थिंग्स, इस केस में फोर लूप के केस में ना ही इनिशियलाइजेशन पास किया, ना ही कंडीशन पास किया, ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन। इस केस में डिफॉल्ट कंडीशन क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रू। व्हाइल के केस में कंडीशन पास करना कंपलसरी था, जबकि फोर के केस में कंडीशन कैसा, ऑप्शन, मीन्स कंडीशन इज ट्रू। डिफॉल्ट केस में आप कंसीडर कर सकते हो ऑलवेज ट्रू लाइक दैट। नेक्स्ट वन, टू, थर्ड केस में परफॉर्म क्या हुआ, कंडीशन टेस्टिंग, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इस केस में फाउंड इन हो रहा, सिंपली कंडीशन टेस्ट कराएं, कंडीशन इज ट्रू। देन इसके जस्ट बाद स्टैटिक इंटेक्स, कंट्रोल कास्टिंग इन साइड बॉडी, बॉडी में एक्स के लिए एलोकेशन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका, प्लस स्टेटमेंट लाइफ ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट। मीन्स इस केस में ब्लॉक वन टाइम एग्जीक्यूट हुआ 1000 टाइम, एक्स के लिए कभी भी नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन एलोकेशन परफॉर्म हुआ। एलोकेशन किसके लिए हुआ, एवरी टाइम, ओनली फॉर ऑटो वेरिएबल्स वाई। देन थ्री का फोर्थ सिक्वेंस क्या रहेगा, मेमोरी एलोकेशन फॉर वाई। वाई का टाइप ऑटो वेरिएबल, इसलिए वाई कहाँ क्रिएट हुआ, इनसाइड स्टैक मेमोरी। नेक्स्ट वन, वाई के केस में इनिशियल वैल्यू क्या फाउंड हो रहा, ऑल्सो 1। नेक्स्ट वन, फोर का फिफ्थ केस, एक्स प्लस प्लस वाई प्लस प्लस। एक्स में इंक्रीमेंट होने पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। वाई में इंक्रीमेंट होने पर वाई का भी वैल्यू क्या होगा, ऑल्सो 2। नेक्स्ट वन, प्रिंट एफ एज अ सेवेंथ केस, प्रिंट एफ केस में डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स एंड वाई का करंट वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, 2, 2, इसलिए फाइनली आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, 2, 2। सेवन का एट्थ केस क्या, कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट करें एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स का वैल्यू क्या है, 2, वाई का भी वैल्यू क्या है, ऑल्सो 2, 2, 2। कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन इफ का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, देन इसके जस्ट बाद इफ कंडीशन टेस्ट होने पर, कंडीशन फॉल्स होने पर अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, हेडर ऑफ द लूप, मीन्स हेडर। एट मीन्स नाइन्थ में कंसिडर करें जर एंड ऑफ द बॉडी। देन टेंथ, टेंथ केस में जब कंट्रोल जब ब्लॉक से बाहर सेंड हुआ, देन परफॉर्म क्या हुआ, डी एलोकेशन ऑफ वाई। इस केस में वाई के लिए परफॉर्म क्या हुआ, डी एलोकेशन, वाई गॉट डिलीटेड और डी एलोकेटेड। लेकिन अभी भी कंट्रोल जब ब्लॉक से बाहर सेंड हुआ, लेकिन अभी भी एक्स फाउंड हो रहा विद वैल्यू 2, बिकॉज एक्स इज अ स्टैटिक वेरिएबल। नेक्स्ट टाइम कंडीशन अगेन ट्रू है, इस केस में कंट्रोल फिर से जब ब्लॉक के अंदर एंटर हुआ, देन टेंथ का इलेवंथ केस डायरेक्टली क्या रहेगा, एलोकेशन फॉर वाई, बिकॉज एक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। वाई, वाई के केस में फिर से एलोकेशन परफॉर्म होगा नेक्स्ट टाइम, अगेन वाई के केस में न्यू वैल्यू क्या साइन हो रहा है, 1, इसलिए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनली 1।
12x++, x में इंक्रीमेंट हुआ, x की प्रीवियस वैल्यू 2 है, इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, सेम है। 13y++, y का वैल्यू 1 है इसलिए इंक्रीमेंट होने पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, कंडीशन इज 2। देन अगेन 13 का 14 केस क्या है, डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स का वैल्यू फाउंड हो रहा 3 और y का वैल्यू 2, 3 एंड 2। देन कंडीशन टेस्टिंग, अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे x ग्रेटर देन y, करेंटली x का वैल्यू क्या है 3 और y का वैल्यू 2, 3 ग्रेटर देन 2 कंडीशन इज ट्रू। इफ कंडीशन ट्रू है 13, 14 एंड 15, कंडीशन ट्रू है इस केस में 16 केस में चांस किसको मिलेगा, बॉडी ऑफ इफ मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक स्टेटमेंट से कंट्रोल कांस्टेंट हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, बॉडी ऑफ द लूप 17 केस, कंट्रोल जब लूप से बाहर आएगा देन परफॉर्म क्या हुआ डी एलोकेशन 4y, सेम एज कंट्रोल जब प्रोग्राम के बाहर सेंड हुआ एज अ 18 केस, परफॉर्म क्या हुआ डी एलोकेशन 4x, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या है इसका आउटपुट 2232।